ये बहुत ही टेस्टी चना दाल आलू की सब्जी पकौड़ी बनके तैयार है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इस तरह से बनाइए, खाइए। मेरे चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, सिटी जॉब ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये है चना दाल भिगोया हुआ अच्छे से, इसका बनाएंगे सब्जी। और ये है थोड़ा सा आलू। अब ये है प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, लहसुन और ये धनिया की पत्ती है डंठल के समेत, इन सभी को काट के पीस लेंगे। अब इन सभी चीजों को पीस लीजिए। अब इसको रखिए साइड में। और ये छोटा छोटा आलू है, इसका दो पीस काट लेंगे। इस तरह से सभी को काट लीजिए। अब ये आलू एक बर्तन में लीजिए। और इसमें डालेंगे ये मसाला, इसमें जार में एक चम्मच छोड़ के बाकी मसाला निकाल लीजिए। एक चम्मच इसमें रहने देंगे और इसी में ये चना दाल को पीस लीजिए। और जो ये आलू है इसमें डालिए नमक। हल्दी पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, ये है कसूरी मेथी, इसको भी डालिए। और जो ये दाल है इसमें भी डालेंगे थोड़ा सा नमक और ये थोड़ा सा हल्दी पाउडर बस। अब आलू में डालिए एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर और ये है थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर और ये थोड़ा सा तीखा वाला मिर्ची पाउडर। और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इस तरह से मिक्स करके इसको रखिए साइड में। अब इसको एक बर्तन में निकाल दीजिए। अब इसके बनाएंगे छोटे छोटे पकौड़ी, बड़ा छोटा जैसा पसंद हो ऐसा बना सकते हैं। इसी तरह से सभी पकौड़ी को फ्राई कर लीजिए। इस तरह से सभी पकौड़ी बना लीजिए। और थोड़ा सा एक चम्मच तेल और डालेंगे। अब इसमें डालिए थोड़ा सा ये पचफोरन और ये है तेज पत्ता। अब इसमें डालिए ये आलू मसाला मिला हुआ।
अच्छे से फ्राई कर लीजिए आलू को मसाला के साथ। अब ये आलू और मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें डालिए पानी। अब इसमें डालेंगे ये दो हरी मिर्ची इस तरह से काट के। अब इसको ढक के आलू को पूरा पकने तक पकाइए। अब डालिए इसमें ये पकौड़ी। और इसको ऐसे भी खाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब इसको ढक के थोड़ा सा और पकाएंगे और ये सब्जी बनके तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी चना दाल और आलू की सब्जी बनके तैयार है। फ्लेम को ऑफ कर लीजिए।